नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर में अपनी चचेरी भतीजी के घर पर मेहमान आए युवक ने खेतों में पेड़ पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक ने सुसाइड करने से पहले अपनी प्रेमिका और माता पिता के नाम 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। पूरा मामला रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माडा गाँव का है। थानाधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि मृतक युवक 21 वर्षीय रणवीर रौत निवासी पोहरी खातुरात गांव का रहने वाला है। युवक 5 अगस्त को अपनी चचेरी भतीजी सूर्या निवासी माडा घोड़ाघाट के घर आया था। 2 दिन से वह लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा था। थानाधिकारी ने बताया कि युवक ने सुसाइड नोट में युवक ने अपनी प्रेमिका द्वारा साथ नहीं देने का जिक्र किया है। इसके अलावा अपने माता पिता सहित अन्य परिवार वालों को आई लव यू और उनको हमेशा के लिए छोड़कर जाने का जिक्र किया है। जयपुर के महारानी कॉलेज की 3 छात्राएं टंकी पर चढ़ गई। छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार पहले ही छात्र संघ चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने से इनकार कर चुकी है। दूसरी ओर छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के सामने 5 मांगे रखी हैं। इसमें छात्रा शिक्षा निशुल्क किया जाए, यूजी पीजी में 100% प्रवेश हो, कॉलेज में निशुल्क ई मित्र व्यवस्था रहे, ओपन जिम खोला जाए और बंद पड़े बैंक को चालू करने जैसी मांगे शामिल हैं। 3 छात्राएं गोखले हॉस्टल के सामने स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी थी। इनमें कोमल मोहनपुरिया, गुंजन शर्मा, कोमल वर्मा शामिल थी। छात्राओं ने चेतावनी दी थी कि मांगों को नहीं माना तो वह आंदोलन और उग्र रूप दे सकती हैं। वाइस प्रिंसिपल चंद्रसेन ने आश्वासन भी बाद 3 छात्राएं टंकी से उतर गई। पुलिस ने इन्हें शांति भंग में गिरफ्तार कर बाद में रिहा कर दिया। गहलोत सरकार ने चुनावी साल से पहले फिर राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया है। बसपा से कांग्रेस में आने वाले 2 और विधायकों को राजनीतिक नियुक्ति दी गई है। भरतपुर के नगर से विधायक वाजिब अली को राज्य खाद्य आयोग चेयरमैन और अलवर के तिजारा से विधायक संदीप यादव को भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। दोनों विधायकों को कोई वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। वाजिब अली के नियुक्ति आदेशों में साफ जिक्र है कि इस पद पर कोई वेतन भत्ते या आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले बोर्ड निगमों में चेयरमैन बनाए गए विधायकों को भी कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। वाजिब अली और संदीप यादव को चेयरमैन बनाने के बाद बसपा से कांग्रेस में आए सभी 6 विधायक सरकार में भागीदार हो गए हैं, जिनमें 1 मंत्री, 4 चेयरमैन और 1 विधायक डिप्टी चेयरमैन है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुख्यात गैंगस्टर परमिंदर सिंह उर्फ पिंदरी भी शामिल है। पिंदरी लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है। इनका लॉरेंस सिंडिकेट के मेंबर जग्गू भगवानपुरिया से भी संबंध है। पिंदरी नंगल रोपड़ नूरपुर बेदी बेल्ट से लॉरेंस गैंग की एक्टिविटी चला रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हिमाचल प्रदेश में छिपा हुआ था। वह ड्रग स्मगलिंग में भी शामिल था। AGTF और रोपड़ रेंज के DIG गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि इनसे 7 अवैध हथियार और 51 कारतूस बरामद किए गए हैं। पिंदरी के खिलाफ पहले भी 22 FIR दर्ज हैं। उसके खिलाफ रोपड़, हरियाणा, जालंधर और पटियाला में कई केस दर्ज हैं। रोपड़ के SSP संदीप गर्ग ने बताया कि परमिंदर पिंदरी के साथ बलजिंदर उर्फ बिल्ला, गुरदीप सिंह उर्फ गोगी, जसप्रीत सिंह उर्फ मक्कड़, गुरप्रीत सिंह उर्फ भोलू, इकबाल मोहम्मद, सुरेंद्र सिंह उर्फ छिंदा, दारा सिंह उर्फ दारा, सुखविंदर सिंह उर्फ काला और रॉबिन सिंह शामिल है। धौलपुर के राजाखेड़ा के बसई घियाराम स्कूल में तैनात PTI की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया कि घड़ी सुखा गांव का रहने वाला 45 वर्षीय महिपाल जाटव राजाखेड़ा बाईपास पर किराए का मकान लेकर रहता था। मृतक बसई घियाराम के सरकारी स्कूल में PTI के पद पर तैनात था। मृतक PTI की पत्नी अर्चना ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने 2 बच्चों के साथ बाहर सो रही थी। रात को उसका पति कमरे के अंदर सोने चला गया, जहां उसने कुंडी लगा ली। सुबह जब पति कमरे से बाहर नहीं निकला तो उन्हें उसके फंदे से लटके होने की जानकारी मिली। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बाड़मेर जिले के DST और चौहटन पुलिस ने संयुक्त में कार्रवाई में ये नशा तस्कर पकड़े गए हैं। जब्त स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि धनाऊ गांव के पास बाइक पर 4 युवक मादक पदार्थ की सप्लाई देने के लिए आ रहे हैं। टीम ने बाइक को रुकवाकर चारों की तलाशी ली तो उनके पास से स्मैक व हथियार मिले। इस पर जूनी नगर निवासी 26 वर्षीय सुरेश, गुड़ामलानी निवासी 20 वर्षीय ओम प्रकाश, रावली नाड़ी निवासी 30 वर्षीय मुलाराम
और जालोर वोडा करडा निवासी 25 वर्षीय सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश सरकारी टीचर है और रीट परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर देने के आरोप में सस्पेंड किया जा चुका है। बिजरार थाना अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के घर में घुसकर उन पर महिला सब इंस्पेक्टर ने जानलेवा हमला किया है। ये वही महिला है जिसने सुशील कंवर के पति व पूर्व भाजपा नेता भंवर सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। बाद में कोर्ट में बयान बदल दिया था। कोर्ट के सामने कहा था कि पुलिस अधिकारियों के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। देर रात पुलिस पहुंची और महिला अफसर को शांति भंग में गिरफ्तार किया था। पलाड़ा के बेटे शिव प्रताप सिंह ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ घर में घुसने, हंगामा करने, पैसे के लिए धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने घर पहुंचकर कहा, 3 करोड़ रुपए अभी दो वरना मैं तुम्हारे पिता को बर्बाद कर दूंगी, घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी को कह रही है कि 3 करोड़ अभी नहीं दियो तो तेरे पति को जेल भिजवा दूंगी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर प्रीति रत्नू कर रही हैं। अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने इसकी पुष्टि की। खाली जमीनों के फर्जी पट्टे बनाकर उन पर कब्जा करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को जयपुर की मानसरोवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र कश्यप, भानु प्रताप सिंह, पंकज सोनी हैं। पुलिस ने आरोपियों से करीब 200 से ज्यादा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों, जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड के खाली और भरे हुए फर्जी पट्टे, 400 से विभिन्न सरकारी विभागों की रबड़, सील, मोहरें, सैकड़ों की तादाद में रसीदें, नगर निगम जेडीए की रसीद बुक, रजिस्ट्रियां और सैकड़ों की संख्या में कूट रचित फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। जेडीए अधिकारियों, आबकारी अधिकारियों, तहसीलदार, पंजीयन कार्यालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों की भी रबड़, सील, मोहरें आरोपियों से बरामद हुई हैं। जयपुर के जगतपुरा में अक्षय पात्र मंदिर के बाहर फोटो खिंचवाने के दौरान पत्थर का बड़ा बोर्ड गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान बांदीकुई निवासी 32 वर्षीय देवव्रत शुक्ला के रूप में हुई है। हादसे के बाद देवव्रत का दोस्त भूपेश शर्मा उसे अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामनगरिया थाने की SHO राजेश शर्मा का कहना है कि परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। देवव्रत के दोस्त भूपेंद्र ने बताया कि वे दोनों जयपुर के बजाज नगर में दोस्त भूपेश शर्मा के फ्लैट में रुके थे। तीनों अक्षय पात्र मंदिर में दर्शन के लिए गए। दर्शन के बाद सेल्फी लेने के लिए रुके। सबसे पहले भूपेश शर्मा ने फोटो खिंचवाई। इसके बाद देवव्रत फोटो खिंचवाने के लिए मंदिर के बाहर गुलाई में लगे पत्थर के बड़े बोर्ड के नीचे खड़ा हुआ, तभी अचानक बोर्ड गिर गया। देवव्रत नीचे दब गया। देवव्रत के 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा तो अभी सिर्फ 4 माह का ही है और बड़ी बेटी 4 साल की है। एक छोटा भाई और 3 बहनें हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।